बिग बॉस 16 को अपना विजेता मिल गया है। रैपर और बस्ती के हस्ती एमसी स्टैन ने शो को जीत लिया। बता दें कि शिव ठाकरे और प्रियंका चार चौधरी को पीछे छोड़ एमसी स्टैन ने रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम की। दर्शकों के लिए ये जीत काफी शॉकिंग थी, लेकिन एमसी स्टैन ने बिग बॉस 16 का विजेता बनकर लोगों को हैरान कर दिया। वही सलमान खान ने स्टैन को जीत की बधाई देते हुए उनके साथ फोटो भी क्लिक कराई। साथ ही इनाम में स्टैन को 31 लाख रुपए और एक लग्जरी गाड़ी भी मिली। बिग बॉस 16 जीतते ही एमसी स्टैन लाइमलाइट में आ गए। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो मीडिया से बात करते नजर आए और उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह उनका बिग बॉस का सफर उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था। वही एमसी स्टैन की दोस्त और मंडली के लीडर शिव ठाकरे ने भी मीडिया के सामने आकर लोगों से स्टैन की जीत के बारे में बात की। कैसा होता भाई, तुमको भी मालूम रहेगा, एक टाइम पे अपन आके नहीं क्या, मतलब वो आंसू बिसू निकलने का बंद हो जाता नहीं क्या, अपन पेनलेस हो जाते, नम हो जाते। तो दिन पे दिन मेरे थोड़े विक्स पे विक्स नहीं क्या, थोड़ा वो वाला शॉर्ट हो गया। बाथरूम में रहने का अकेले में जाके, लेकिन भलता विषय वो, मतलब मंडली को क्या क्या कुछ को रियल वर्ल्ड में नहीं क्या, जो मेरे अम्मी अब्बा मेरे को बता नहीं क्या ना, वो भाई भी मेरे को सेम चीज़ बता नहीं क्या, इसलिए हिट होने की मेरे को नहीं क्या। और चीज़ एक और चीज़ नहीं बोलने का सीखा मैं किसको नहीं नहीं बोलते आता था मेरे को नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बहुत, नहीं बोलने का सीखा मैंने। मैं तो नहीं क्या अगर देखने का तो मेरे दोस्त लोग पूछने के ना पैसे वैसे क्या विषय नहीं क्या, मैं नहीं नहीं बोल पाता था किसको, वो बोलने का सीखा। बाकी तुम्हारी दुआ है, थैंक यू सो मच। हाँ अलहमदिल्ला दुआ से तुम्हारे, आपकी दुआ। चेक माइक चेक कान चेक हस्ती का हस्ती क्या नाम वाले सुनाओ मेरे गानों पे, सुनो ना भाई लोग मेरे गानों पे हाथ उड़ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती मत मार उसको, उसकी नहीं गलती, सिर्फ रिलेट वो करती, पीटम बोले तो देखे लोग की भर्ती में गर्दिश में भरती, आवाज थोड़ी अलग आ रही हो गई सर्दी, पीटम से पीटम तक अपनी चलती, तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। बिग फैन ब्रो, पर मुझे से लगता है शिव और प्रियंका अच्छे प्लेयर थे, जो एमसी स्टैन है वो अच्छा इंसान था और उसने ट्रॉफी के लिए कभी खेला ही नहीं है, तो शायद वो चीज ही थी। मैं हमेशा बोला है जब भी मुझे पूछा है, अगर यहाँ पे सच्ची में जो गेम के हिसाब से ना अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है वो एमसी है, तो मेरे को लगता है वो डिजर्व करता है। और